नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कचुंबर रायता, जो खाने में टेस्टी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप पूरी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं और ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं कचुंबर रायता, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम दही लिया है और दही को हम अच्छे से विस्कर की सहायता से फेंट लेंगे। रायते को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ध्यान रहे इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। दही जो है हमारा एकदम स्मूथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं दही को मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल डालेंगे। पहले हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम वेजिटेबल डालेंगे, क्योंकि वेजिटेबल भी जो है पानी छोड़ती हैं। तो मैंने एक टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, जिसे बारीक कट कर लिया है। एक हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया। एक खीरा लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया। खीरे को आप चख कर डालें, खीरा जो है वो कड़वा भी आता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अगर आप इसके अंदर और वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। उबला हुआ आलू हुआ, शिमला मिर्च हुई, पत्ता गोभी हुई, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सूखा कड़ी पत्ता लिया है, वो डाल दिया है। लाल कश्मीरी मिर्च डाल दी है 2 चुटकी, ये तीखी नहीं होती है। ज़्यादा हमें मिर्ची का यूज़ नहीं करना है। 1/4 चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। हरी मिर्ची भी डाली है, इसलिए मिर्ची का टेस्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, जिसे मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा भुना हुआ ज़ीरा ना डालें, नहीं तो रायता काला पड़ जाएगा। खुशबू के लिए 1/4 चम्मच ज़ीरा काफ़ी है। पुदीना पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, आप फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, ये 5 मिनट में हमारा रायता बनकर तैयार हो गया है। रायते को गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है रेड कश्मीरी मिर्च। ये तीखी नहीं होती है फ्रेंड, इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर दिखेगा। कोई गेस्ट आए तो आप इस तरह से रायते को डेकोरेट करके सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में भी और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस तरह से ये रायता ज़रूर बनाएं, देखिए। और कुछ हम बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और इसके ऊपर खीरा डाल देंगे, जिससे ये दिखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में तो ये टेस्टी बना है। इसे आप पूड़ी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप वेजिटेबल रायता भी कह सकते हैं, कचुंबर रायता भी कह सकते हैं। हमारा रायता तैयार हो गया है फ्रेंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।